की राहें, तो देखते रहिए तेज निगाहें ऑनलाइन न्यूज। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना न्यू उस्मानपुर इलाके में गामड़ी सी ब्लॉक गली नंबर 8 में रहने वाले 22 साल के रोहित पाल की मंगलवार की सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि बियर के पैसे मांगने पर झगड़ा हुआ था, बस उसी को लेकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस की गिरफ्त में यह वही शख्स है जिस पर रोहित पाल की हत्या करने का आरोप है। पुलिस की माने तो रोहित पाल सुबह नाले के पास खड़ा था, रवि सोलंकी बाइक से वहां से गुजर रहा था। रोहित पाल ने उसकी बाइक रुकवाकर बियर के पैसे मांगे तो उसने मना किया, तो उसने उसकी बाइक की चाबी निकाल ली। इसी पर दोनों की कहासुनी हुई, बस रवि ने अपनी पास अवैध रूप से रखी देसी पिस्टल से रोहित पाल की हत्या कर दी। रवि सोलंकी की माने तो रोहित पाल जब भी मिलता था उससे पैसे की मांग करता था, इसी से परेशान होकर उसने गोली मारी थी। दारू वारू पी रहे थे सुबह सुबह खाले, वैसे ही क्रिमिनल थे वो, हाथ पैर काम सभी के पैसे भी छीने की कोशिश की तुमने आपसे? हाँ जी, मेरा फाइनेंस का काम। पैसे छीने की कोशिश की तुमने? पहले भी कोई झगड़ा छीने नहीं, छीनने कहाँ पाए इतनी देर में? उसी पहले भी कैसे मारा? गोली मारी तुमने? हाँ जी, गोली मारी थी। गोली मारी है। तो कैसे, कट्टा कहाँ से ले आए थे, कहाँ से लाए थे? तो सर थी मेरे पे पिस्टल पहले से। पहले से थी? पहले भी कोई मामला तुम्हारे ऊपर? हाँ चल रहे हैं, दो तीन है, लड़ाई झगड़ा हुई। इस मामले में पुलिस ने जो बताया, आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि इस हत्या की असली वजह क्या थी। इस खुलासे से पहले पुलिस भी इस कारण शक के घेरे में रही, मगर जब आरोपी पकड़ा गया तो पुलिस ने वही बताया जो पहले बताया था। पुलिस ने बताया कि रोहित पाल और रवि दोनों पहले क्राइम की दुनिया में वारदातों को अंजाम दिया करते थे, जिसमें करीब 4 लोग मिलकर काम किया करते थे। लेकिन कुछ समय से रवि सोलंकी सुधरने की चाह में रोहित पाल और उसके साथियों से दूर रहने लगा, किसी के साथ मिलकर फाइनेंस का काम भी करने लगा। लेकिन रोहित पाल जब भी रवि से मिलता तो उससे पैसे की मांग करता, इसी से परेशान होकर रोहित पाल की हत्या कर दी गई। एक दोस्त के साथ कि हरीश नाम का लड़का था, वहाँ कोई बियर पी रहा था खड़ा हुआ, तो कुछ लड़कों से झगड़ा हुआ इसका, जो उसको गोली मार के भाग गया। मौका मौना किया गया पूछताछ की लोकल इंटेलिजेंस के लिए, एक इन्फॉर्मेशन मिली लोकल इंटेलिजेंस से कि इसका झगड़ा रवि सोलंकी नाम के लड़के से हुआ था। रवि सोलंकी जो एक ओम शाही एसोसिएट्स फाइनेंस का काम करती है, उसमें पार्टनर है, और ये सुबह सुबह अपना किसी और साथी के साथ मिलके पैसे लेने जा रहा था, क्योंकि ये ब्याज पैसे देते हैं डेली जो रिक्शा वालों को, सब्जी वालों को। तो रास्ते में ये लड़का जो रोहित, उसका एक साथी हरीश है, ये बियर पी रहे थे, इसको रोक लिया मैंने। पता लगा कि सुधरना चाहता था, इसने अपना बिजनेस शुरू कर लिया, इससे थोड़ा दूर रखने लगा। इसको रोक के इसने गाड़ी बाइक की चाबी निकाल ली, थोड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ, गुत्तम गुत्ता हुआ। इसके पास पिस्टल थी रवि के, रवि सोलंकी के पास। तो जब दोनों लोग इसकी पिटाई करने लगे तो इसने फिर गोली मार दी, एक उसके पेट पे लगी, तो दूसरा फिर इसकी टांग में किसी लगे, दूसरी इसने उसे सर पे मार दी, वहाँ से भाग गया। जिले में लगातार हो रही वारदातों से लोगों में पुलिस सुरक्षा पर सवालिए निशान खड़े हो गए थे, लेकिन रोहित पाल हत्या के खुलासे के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है, और पुलिस की माने तो अन्य मामले का भी जल्द से जल्द खुलासा कर दिया जाएगा। दिनेश सोलंकी, तेज निगाहें दिल्ली। What are you doing?